हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग अब क्या देखेंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो चलिए सारे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, खोल लो जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और देखते हैं हम लोग आज बनाएंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को देखा जाएगा, मतलब दीर्घ आवर्त सारणी को भली भांति देखना है। तो चलिए आइए देखिए क्या लिखते हैं हम लोग। अब बार बार लिख के वो नहीं करेंगे, फिर भी देख लेते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, बस पीरियोडिक टेबल को बनाए नहीं थे। पीरियोडिक टेबल तो क्या है बेटा, इसका हिंदी में नाम दीर्घ आवर्त सारणी। दीर्घ आवर्त सारणी, दीर्घ आवर्त सारणी को किसने दिया था, मोजले ने। किसने, मोजले ने। तो ये कहते हैं हम लोग क्या करेंगे, मोजले को। तो डिस्कवर बाय मोजले, डिस्कवर बाय मोजले। मोजले का पूरा नाम हेनरी मोजले। डेवलप बाई, आपको लिखा चुके हैं एक बार याद करिए, यही है कि नहीं, रेंज एंड वार्नर। रेंज एंड वार्नर बेटा, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे वो सब क्या थी, एटॉमिक मास पे, फिर मॉडर्न वाली क्या आ गई हमारे पास, एटॉमिक नंबर पे, वैसे यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। किस पर बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ये आधारित है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हम क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है हमारा पॉइंट कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 क्या हैं, पीरियड्स। क्या होते हैं, 7 पीरियड्स। ये 7 पीरियड्स क्या होते हैं बेटा, हॉरिजेंटल। क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब क्षैतिज है, तो हम यहाँ पे लिखते रहे हैं क्षैतिज। क्षैतिज पंक्तियाँ, कितनी पंक्तियाँ होती हैं, क्षैतिज 7, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स। और पीरियड्स को हिंदी में कहते हैं बेटा आवर्त। यही आवर्त का मतलब ही होता है कि निश्चित टाइम के बाद फिर से जो आ जाता है 7। और कहेंगे 18 हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप्स। क्या होते हैं बेटा, 18 क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं। उन ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह। और ये समूह क्या होते हैं, वर्टिकल। क्या होते हैं, वर्टिकल। और वर्टिकल को क्या कहते हैं, गुड। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर भैया, ऊर्ध्वाधर गलती होगा तो अपना लिख लेना, ठाकुर बताई ही, ठाकुर सही है कि गलत। तो क्या कहेंगे, वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर मतलब क्षैतिज पंक्तियाँ क्या होती हैं, ऐसे ऐसे वाली पंक्तियाँ जो गिरी हुई होती हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं, क्षैतिज। और जो खड़ी होती हैं उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो ये वाली हैं ऊर्ध्वाधर और ये वाली हैं क्षैतिज। तो जो ऐसी रहेंगी 7 पंक्तियाँ उनको हम लोग पीरियड्स कहेंगे, वो हॉरिजॉन्टल होती हैं हिंदी में आवर्त। इसको हिंदी में कहते हैं समूह। क्या कहते हैं, समूह। इसी को बेटा कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। इसमें जो एलिमेंट्स रखे जाते हैं, इसमें एलिमेंट्स जो रखे जाएंगे बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पे, एक एक करके परमाणु क्रमांक क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक रहेगा। इसमें क्या रहेगा, एलिमेंट क्या होगा, एक ही जैसे गुणधर्म। क्या लिखेंगे, समान गुणधर्म वाले, समान गुणधर्म वाले इसमें रखे जाएंगे, गुणधर्म वाले। क्या है, गुणधर्म। तो थोड़ा सा आइए हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है, किसके लिए है, पीरियड्स के लिए। इसमें बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रहेंगे, इसमें कौन से रहेंगे, समान गुणधर्म वाले। जिनका गुण एक जैसा होगा वो वर्ग में रहेंगे, किसमें रहेंगे, समूह में रहेंगे, वर्ग में रहेंगे, जिसे ग्रुप कहते हैं। और जो बढ़ते हुए उसमें रहेंगे तो उसको हम कहेंगे। आइए देखते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दीर्घ आवर्त सारणी को किसने दिया, हेनरी मोजले ने दिया। डेवलप बाय रेंज एंड वार्नर, इसको और विकसित किया। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ये रेंज एंड वार्नर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होते हैं बेटा, 7
हॉरिजेंटल्स जो है पंक्तियाँ होती हैं, मतलब सात ठो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, उन सातों क्षैतिज पंक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स। क्या कहते हैं? पीरियड्स। पीरियड्स को हिंदी में आवर्त कहते हैं बेटा। और इसमें जो परमाणु रखे हुए होते हैं वो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे जाते हैं, एक एक करके परमाणु क्रमांक बढ़ता रहता है। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, मतलब इस तरीके की लाइंस होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा? ये ग्रुप है, ग्रुप को ही समूह कहते हैं और वर्ग कहते हैं। इसमें जो तत्व रखे जाते हैं वो तत्व कैसे होते हैं? समान गुण धर्म वाले होते हैं। इसका मतलब कि उनके गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो बच्चों, जिनको ये नोट करना होगा वो नोट कर लें, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अब हम लोग जो है आगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल बनाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे तो क्या होगा, चैनल ग्रो करेगा, तो हम और अच्छी अच्छी चैनल वीडियो आपको बना बना के देते रहेंगे। आपका बिल्कुल भी एक पैसा नहीं लगता। रेड से सब्सक्राइब लिखा है उसको जो है दाबिए, फिर जो है एक बेल आएगी उसको दाबिए, ऊपर तीन ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दाब दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको सूचना मिल जाएगी। अब बेटा प्लीज़, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है नीट के लिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बेटा, हम लोग देखते हैं कि अब आपका ये ब्लॉक बन के तैयार है, और इसी ब्लॉक को हम लोग क्या है अपने ग्रुप और अपने पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। तो हम लोग देखे हैं कि पहले हमको बताया गया है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, यहाँ लिख नहीं रहे हैं, आप तो जानते ही हैं कि ये दीर्घावर्त सारणी हम बना रहे हैं, उसमें ब्लॉक्स तैयार हैं। तो दीर्घावर्त सारणी में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल पंक्तियाँ होती हैं, देखो ये क्षैतिज पंक्तियाँ, ये जो ऐसे ऐसे ये क्या है हमारे पास, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पीरियड्स। तो कितने हैं? सात। आइए देखते हैं। देखो तो ये होता है फर्स्ट पीरियड, इसको हम कहेंगे क्या सेकंड पीरियड, ये क्या है थर्ड पीरियड, ये क्या है फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ, ये सिक्स, और ये क्या है सेवन पीरियड। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे इधर जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। पीरियड्स मीन्स बेटा आवर्त। तो पीरियडिक टेबल में कितने आवर्त हैं? सात ना। तो जो ऐसे ऐसे गिरी हुई पंक्तियाँ हैं उनको हम लोग पीरियड कहते हैं। और अब ग्रुप की बात करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, कुल मिला के हमारे पास है 18। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, फर्स्ट ना, इसको क्या कहेंगे दूसरा ग्रुप, ये क्या है थर्ड ग्रुप, ये क्या है फोर्थ, ये क्या है फिफ्थ, ये क्या है सिक्स, ये क्या है सेवन्थ, ये क्या है एट, ये क्या है नाइन, ये क्या है टेन, ग्रुप है ना बेटा, ये क्या है 11, ये क्या है 12, ये क्या है 13, ये क्या है 14, ये क्या है 15, ये क्या है 16, ये है 17, और ये है 18। तो जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल था उसमें ये सब ग्रुप में डिवाइड था, ए और बी सब ग्रुप में, जब मेंडलीफ ने किया था, और मॉडर्न भी ऐसा था। लेकिन जब लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल आ गई तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल को फर्स्ट ए सेकंड ए, फर्स्ट बी सेकंड बी में डिवाइड नहीं किया गया है, उसको सभी के सभी समूहों को एक से लेकर के 18 में बांट दिया गया है। जो ऐसे ऐसे पंक्तियाँ हैं, ये वाली ऊर्ध्वाधर न खड़ी खड़ी पंक्तियाँ, उनको हम लोग ग्रुप कहते हैं, और इधर वाली को हम लोग जो ऐसे ऐसी हैं उसको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। तो बेटा सेवन पीरियड्स है, इसीलिए लिख ध्यान दे रहे हैं कि ये क्या है पीरियड। क्या है बेटा, देखो पी ई आर आई ओ डी एस, इधर वाले जो ऐसे ऐसे हैं वो क्या है पीरियड्स हैं, और जो नीचे ऐसे ऐसे आ रहा है ये क्या है, ये ऐसे लिखे हैं, ये बेटा है ग्रुप्स। क्या कहते हैं? ग्रुप्स मतलब समूह, ग्रुप्स मतलब समूह होता है। तो आप जानते हैं कि सात हमारे पास पीरियड हो गए और 18 हमारे पास ग्रुप हो गया। तो आइए अब हम तत्वों को डिवाइड करते हैं, हम लोग इसमें तत्वों को भरेंगे, किसमें को भरेंगे, एलिमेंट्स को भरेंगे। तो हम बोले हैं और इसमें बताया गया है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में जो तत्व हैं वो एक एक करके परमाणु क्रमांक के बढ़ने के अनुसार ही भरे जाते हैं। तो पहले में हमारे पास क्या आता है बेटा, हाइड्रोजन। क्या आएगा? हाइड्रोजन।
और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोई भी तत्व नहीं है। 18वें में एक दूसरा तत्व है, क्या है? हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 2। हाइड्रोजन के बाद हीलियम हुआ, उसके बाद कोई नहीं, फिर यहाँ से आता है लिथियम। क्या आता है? लिथियम। और लिथियम के बाद हम लोगों को जानते हैं कि ये हुआ हाइड्रोजन, वो हुआ हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, और लिथियम के बाद यहाँ पे आता है बेरिलियम। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ बोरान आता है। क्या आता है? बोरान आता है। बोरान पे देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर क्या है? बोरान। और बोरान के बाद हमारे पास क्या आएगा बताइए? कार्बन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद नियॉन आएगा। क्या आएगा? नियॉन आएगा। अब आते हैं यहाँ पे, फिर हमारे पास क्या होता है? सोडियम। क्या है? सोडियम। सोडियम के बाद बेटा इधर क्या आता है? मैग्नीशियम। अब यहाँ से यहाँ तक फिर कुछ नहीं है, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है यहाँ पे? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस के बाद क्या है? सल्फर। सल्फर के बाद यहाँ क्या है? क्लोरीन। और क्लोरीन के बाद यहाँ क्या है? आर्गन। तो अभी आप देखिए, हम लोग कैसे करेंगे कि जैसे किताब में बना था, जैसे किताब में बना था, तो इस वाले में, इस वाले कितने ग्रुप में, इस वाले पीरियड्स में आवर्त में कितने तत्व हैं? सिर्फ 2। इस वाले आवर्त में कितने हैं? सिर्फ 8। और इस वाले आवर्त में कितने हैं? सिर्फ 8। तो इसीलिए वो वहाँ पे क्या है? मिटा दिया गया है। तो हम लोग भी उसको मिटा दे रहे हैं, ताकि वो दिखने में हूबहू वैसा ही हो जाए कि यहाँ पे क्या है बेटा? कोई भी तत्व नहीं है, वो ब्लॉक्स क्या हैं? खाली हैं। तो उसको क्या किए? हटा दिए। उसको क्या हुआ? हटा दिए। तो आपकी पूरी की पूरी तरीके से पीरियोडिक टेबल हूबहू किताब जैसी बन जाएगी। यहाँ ब्लॉक्स थे, लेकिन उस पीरियड्स में तत्व नहीं थे, इसलिए उसको देखिए अब इस तरीके से हटा दिया गया। तो देखिए आपका हूबहू वैसे ही बन गया जैसे हमारे कहाँ पे किताब में है। आइए अभी हम और तत्वों को भरेंगे। और तत्वों को इसलिए भरने से पहले यहाँ पे वो अलग कर दिए कि ताकि आपको उस तरीके की हूबहू फीलिंग्स आ जाए। अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास कहाँ से? के पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम के बाद हमारे पास क्या आता है? कैल्शियम। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद टाइटियम। टाइटियम के बाद बेटा वेनाडियम। वेनाडियम के बाद क्रोमियम। क्रोमियम के बाद एमएन मैग्नीज। मैग्नीज के बाद हमारे पास ये क्या होता है? Fe26। आयरन कोबाल्ट का बेटा 27, निकिल का 28, कापर का 29, जिंक का 30। जिंक के 30 के बाद आता है बेटा हमारे पास क्या है? गैलियम। गैलियम के बाद जर्मेनियम। जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाद सेलेनियम। सेलेनियम के बाद क्या है? ब्रोमीन। क्या है? 35। और KR क्रिप्टन का कितना होता है? 36 ना। क्रिप्टन 36 के बाद आप आते हैं रूबीडियम के 37, SR के, स्टोंटियम के 38, वाइटियम के 40, जर्कोनियम के, वाइटियम को 39, जर्कोनियम के 40, NB नियोबियम के 41, TC टेक्नीशियम के 43, RU क्या, रूथेनियम के 44, RH रोडियम के 45, PD पैलाडियम के 46। क्या है? पैलाडियम का 46। AG सिल्वर का क्या होता है? 47, कैडमियम का 48, इंडियम का 49, और टिन का क्या होता है? 50। एक मिस्टेक हो गई बेटा, एक मिनट एक छूट गया है यहाँ पे। वाइटियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम। क्या है? जर्कोनियम। और क्या है? जर्कोनियम के बाद क्या है हमारे पास? NB नियोबियम के 41, MO मॉलिब्डेनम के 42, EMO मॉलिब्डेनम के 42, TC टेक्नीशियम के 43, रूथेनियम के 44, रोडियम के 45, पैलाडियम के 46, AG सिल्वर के 47, कैडमियम का 48, इंडियम का 49, हमारे पास है 49, और SN टिन का कितना होता है? 50। अब आते हैं यहाँ पे SB एंटीमनी का 51, टेलूरियम का 52, और उसके बाद होता है आयोडीन का 53, और XN जेनान का 54। जेनान का कितना होगा बेटा हमारे पास? 54 होता है। चलिए उसके बाद हम आते हैं CGM का कितना होगा। यहाँ पे देखिए जेनान 54, CGM के बाद क्या है? 55। बेरियम का हमारे पास क्या है? 56। अब बेटा यहीं से जब लेंथेनम आता है,
यहीं से जब लेंथेनम आता है तो देखो यहाँ स्टार बना दिए और यहीं से लेंथेनाइट्स शुरू हो जाता है। यहीं से क्या शुरू हो जाता है? लेंथेनाइट्स शुरू हो जाता है। तो हमारे पास और आगे से थोड़ा सा देखते हैं, चलिए तो आप देख रहे हैं कि लेंथेनम हमारे पास हो गया। लेंथेनम के बाद क्या आता है? हाफ नियम। क्या आएगा? हाफ नियम। हाफ नियम के बाद क्या है? टेंटालम। क्या है? टेंटालम होता है। टेंटालम के बाद टंगस्टन। टंगस्टन के बाद हमारे पास आता है रहेनियम आरी। क्या है? रहेनियम। रहेनियम के बाद ऑस्मियम। ऑस्मियम के बाद इरिडियम। इरिडियम के बाद हमारे पास आता है प्लेटिनम। क्या है? पीटी, प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद एयू। क्या होता है ये? गोल्ड। क्या है? गोल्ड। गोल्ड का होता है 79। उसके बाद क्या आता है? एचजी, मरकरी 80। उसके बाद क्या आता है? टीएल। थैलियम के हमारे पास क्या आता है? 81। और यहाँ पे होता है पीबी, लेड का 82। ये होता है बिस्मथ के 83। बिस्मथ के 83। उसके बाद पोलोनियम का बेटा 84। यहाँ पे एस्टेटिन, एस्टेटिन क्या आता है? 85। और यहाँ पे आता है रेडॉन। क्या है? 86। रेडॉन के 86। फ्रेंसियम का आता है यहाँ पे 87। रेडियम का क्या आता है? 88। अरे रेडियम के 88। और यहाँ पे जहाँ पे ये स्टार बना दे रहे हैं, यहाँ से लेंथेनाइट नहीं, फिर से चालू क्या हो जाता है? एक्टिनियम। क्या हो जाता है? एक्टिनॉइड्स। ये यहाँ पे स्टार और यहाँ पे जो स्टार है ये क्या है? एक्टिनॉइड्स। यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब ये पूरा निकल जाएगा किसमें? एफ ब्लॉक में आ जाएगा। तो 104 वाले को हम लोग कहते हैं रदरफोर्डियम। क्या कहेंगे? रदरफोर्डियम कहा जाता है। आरएफ क्या है? रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम का ड्यूबोनियम। क्या है? ड्यूबोनियम। उसके बाद सरबोरियम। उसके बाद बोहोरियम। क्या है? बोहोरियम। बोहोरियम के बाद हमारे पास आता है मेट्रिनियम। क्या है? एमटी, मेट्रिनियम। मेट्रिनियम के बाद आता है डस्टाटियम। क्या है? डस्टाटियस, डस्टाटिडियम आता है। तो चलिए आइए, हमने इसमें एलिमेंट्स भर दिए हैं ताकि आपका थोड़ा सा समय बचे। हम लोग अब नंबरिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या कितना है। तो देखो बेटा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। इसका क्या होगा? दो ना। उसके बाद हम लोग करते जाएंगे, ये क्या है बेटा? तीन। ये क्या है? चार। इसका क्या होगा बेटा? पाँच। इसका क्या होगा? छः। इसका होगा सात। इसका आठ। इसका नौ। इसका क्या है? नियॉन का 10। सोडियम का हमारे पास 11। मैग्नीशियम का कितना? 12 होता है। एल्यूमिनियम का 13। सिलिकॉन का कितना? 14 ना। फास्फोरस का 15। सल्फर का 16। और क्लोरीन का 17। आर्गन का क्या होता है? 18। पोटेशियम का हम जानते हैं 19। कैल्शियम का 20। स्कैंडियम का 21। टाइटेनियम का 22। वेनाडियम का 23। क्रोमियम का 24। अच्छा मिट जा रहा है क्या? 24। एमएन का मैग्नीज का क्या होता है? 25। एफई का 26। कोबाल्ट का कितना होता है? 27। निकिल का हमारे पास 28। अच्छा कॉपर का क्या होता है बेटा? 29। 29। जिंक का 30। गैलियम का 31। जर्मेनियम का 32। आर्सेनिक का 33। सेलेनियम का 34। एक आप ऐसे सीरियल्स बस करते जाना है बस। और ब्रोमीन का क्या होता है? 35। और क्रिप्टन का कितना होता है? 36 होता है। रुबिडियम का आपको ऐसे याद हो जाएगा 37। स्ट्रोंटियम का 38। वाइटियम का 39। जर्कोनियम का कितना बेटा? 40। नियोबियम का 41। मॉलिब्डेनम का 42। टीसी टेक्नीशियम का क्या होता है? 43। रूथेनियम का क्या होता है? 44। रोडियम का हमारे पास क्या होगा? 45। पैलाडियम का 46। सिल्वर का 47। कैडमियम का कितना होगा बेटा? 48। इंडियम का 49। एसेंटिन का 50। ये टिन है, याद रखिएगा, ये क्या है? टिन है। तो हम इसे कहते हैं एसबी। एसबी का क्या होता है? 51। टेलुरियम का कितना होगा? 52। आयोडीन का कितना होगा? 53। जिनान का कितना होगा बेटा? 54 ना। जिनान के बाद हम आते हैं सीजियम का कितना होगा? 55। और सीजियम का बेरियम के कितना होगा? 56। और यहाँ से लेंथेनम स्टार्ट होता है, इसीलिए लेंथेनम का देखो एफ ब्लॉक में चला गया, लेंथेनोइड्स। क्या होगा? लेंथेनोइड्स। ये हमारे पास जानते हैं ये कहाँ से? अब यहाँ से कितना? 57 से लेकर के 71 तक। 57 से लेकर के
71, तो ये लेंथेनाइड्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे देखो हम लिख दे रहे हैं पहले 57 से लेकर के 71 तक। ये एक्टिनोइड्स कहाँ से है बेटा, 89 से लेकर के 103 तक, कहाँ तक, एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के 71 तक क्या है, लेंथेनॉइड्स है। और एक्टिनोइड्स 89 से लेकर के 103 तक है तो डी ब्लॉक का ही, लेकिन इसको बाहर निकाल लिया जाता है तो ये एफ ब्लॉक में आ जाता है। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, 72 हाफनियम का 72 न, टेंटालम के 73, टंगस्टन का कितना होता है 74, रेहनियम के क्या है 75, ऑस्मियम के क्या होता है यहाँ पे 76 न, इरिडियम के 77, प्लेटिनम का 78, एयू गोल्ड का 79, एचजी मरकरी का जिसे हम पारा कहते हैं 80, थैलियम का बेटा होता है क्या 81 होता है, पीबी लेड का 82, बिस्मत का 83, पोलोनियम का क्या होता है 84, एस्टाटीन का क्या होता है बेटा 85 ना, और ये क्या है रेडॉन का क्या होता है बेटा 86, फ्रेंसियम का हमारे पास होता है बेटा 87, और ये था रेडॉन, ये क्या है रेडियम का 88, और यहाँ से फिर देखो क्या आ गया एक्टिनोइड्स 89 से लेकर के 103 से क्या आ गया एक्टिनोइड्स आ गया। अब यहाँ से हम लोग 104 को अगर पढ़ेंगे तो रदरफोर्डियम क्या है, ड्यूबोनियम क्या है 105 न, एसजी सॉर्बोटियम क्या है 106, तो बोहोरियम 107, बोहोरियम का 107 हमारे पास हो गया है। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं, हेसियम का 108 और मेडिट्रेनेरियम का 109, 108 और एक्स का क्या है 109, डिस्बोनियम के हमारे पास होता है ठीक है 110, आइए होता है डर्स्टेडियम का 110, आरजी रोटिनजियम का 111, एसएन का हमारे पास 112 जिसे कॉपर निकम कहते हैं 112। थोड़ी देखिए थोड़ा उच्चारण में प्रॉब्लम हो सकती है तो आप याद रखिएगा। अब हमारे पास आते हैं निहोरनियम का 113 आता है और फ्लेवोरियम का 114 आता है यहाँ पे 114, मास्कोबियम का 115 आता है, लिवर मोरियम का आता है 116, और हमारे पास आता है टेनेसाइन का 117, और जो होगा नेसॉन का आता है 118। देखिए बेटा आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट वाला हो गया, कितना 118 एलिमेंट का हो गया। हम लोग यहाँ पे सब जानते हैं, आपको एक हम सूत्र बताएंगे कि थोड़ा सा इसको याद करने के लिए, तो पहले आइए इसको यहाँ से लिख लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास ये कितना है, ये कहाँ से 57 से क्या है 57, इसको बाद में याद करवाएंगे, ये क्या है 58 क्या है सीजियम सिप्रा नायडू, 58 के बाद बेटा 59, 59 के बाद क्या है 60, 60 के बाद 61, एक एक बढ़ाते जाओ बस 62, ये क्या है 63, ये क्या है 64, देखो 71 तक पूछता कि नहीं 65 है, 65 के बाद क्या है 66, फिर क्या है 67, फिर क्या 68, फिर क्या 69 हमारे पास हो गया, 69 के बाद देखो 70, और 70 के बाद क्या आता है 71 आता है, यहाँ पे हमारे पास 89 के बाद थोरियम को जानते हो ना 90 है, ये क्या है 91 है, यूरेनियम को खुद ही जानते हो 92, निओबियम की क्या है 93, एपीयू पोलोनियम क्या है ये 94, ये क्या है 95, ये 96, 97, 98, 99 और ये हुआ 100, 101, 102 एंड 103। तो इतना हमारे पास है, तो अब हम थोड़ा सा इसको और आउट डिवाइड करेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो बेटा ये जो पहला और दूसरा है, पहला और दूसरा है, थोड़ा सा और आगे देखिए, हम लोग इतना कर चुके हैं, इसको अब हम हटा देंगे कि ये ग्रुप्स है आप जान गए हैं, इधर जो ऐसे खड़ी खड़ी पंक्तियां हैं ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं उनको क्या कहते हैं बेटा ग्रुप्स, और जो हॉरिजेंटल हैं उनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स में एलिमेंट क्या होते हैं एक एक करके क्या है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या है वो बढ़ते जाते हैं, एक एक करके परमाणु भार उनका बढ़ता है, लेकिन ग्रुप में डायरेक्ट परमाणु भार बढ़ जाता है, लेकिन ग्रुप में क्या होता है उनके गुणधर्म मतलब उनकी प्रॉपर्टीज एक ही जैसी होती हैं, समान गुणों वाले तत्व एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहले और दूसरे को, पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं यहाँ से, यहाँ ये क्या है बेटा एस ब्लॉक, क्या कहेंगे एस ब्लॉक, खंड क्या है खंड कहेंगे, जैसे मैं प्रयागराज के कर्चना विकास खंड में रहता हूँ तो ऐसे ही ये क्या है पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग किस में बांटते हैं खंडों में बांट देते हैं, ब्लॉक्स में बांट देते हैं। तो एस ब्लॉक में पहला और दूसरा ग्रुप आता है, एस ब्लॉक में पहला और दूसरा ग्रुप आता है,
बी ब्लॉक में हम यहाँ से देखेंगे कहाँ से 13 से लेकर के 18 तक बेटा किस में आते हैं, पी ब्लॉक। क्या लिखेंगे? पी ब्लॉक। क्या लिखेंगे? 13 से लेकर के 18 तक किस में आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं। और 3 से लेकर के देखो वहाँ पे जो मिटा दिए थे, इसीलिए ये 3 अब वहाँ पर जो लिख रहा है उसी को यहाँ 3 लिख दे रहे हैं। 3 है ये, 4 है ये, 5 है ये, 6 है ये, 7 है ये, 8 है ये, 9 है ये, 10 है ये, 11 है ये, 12वां ग्रुप है। तभी देखो 13वां यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखो ऊपर क्या है, 13वां यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 3 से लेकर के बेटा कहाँ तक, 12 तक किस में आते हैं? डी ब्लॉक में। किस में? डी ब्लॉक में आते हैं। किस में बेटा? डी ब्लॉक में आते हैं। और यहाँ पे हमने जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को निकाला है, ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स किस में आते हैं? एफ ब्लॉक में। क्या लिखेंगे? एफ ब्लॉक में आते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांट दिया गया। कितने? 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। एस ब्लॉक, यहाँ पे देखो पी ब्लॉक ना, यहाँ पे डी ब्लॉक, और यहाँ पे क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक आता है। तो बेटा आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए इसको फिर से देखना पड़ेगा। ये देखते हैं एस ब्लॉक में कितने समूह आते हैं? केवल 2, पहला और दूसरा। पी ब्लॉक में कितने समूह आते हैं बेटा? 6। कितने? 6। सुनना बहुत ज़रूरी है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, कहाँ से? 13 से लेकर के 18 तक के जो हमारे पास ग्रुप हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक में हमारे पास कितने आते हैं? कुल मिला के 10 समूह। कहाँ से? 3 से लेकर के 12 तक के। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 से लेकर के 12 तक वाले कहाँ पे आते हैं? डी ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक में कौन आते हैं? जो यहीं से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स निकले थे वो किस में आता है? एफ ब्लॉक में आता है। है किसका? ये देखो थर्ड समूह का। है किसका? थर्ड समूह का। यहाँ पे देखो है किसका? थर्ड समूह का। देखो मिल रहा है ना, तीसरे समूह का है, थर्ड ग्रुप का है। और हम लोगों को ये निकला किसमें? छठवें और सातवें पीरियड से। छठवें और ये पूछा जाता है आपसे। अच्छा, जो हमारे पास पुरानी पीरियडिक टेबल थी उसमें थोड़ा देख लेना, उसमें क्या हो सकता है कि फर्स्ट एस वाले को और पी वाले को हम लोग ए सब ग्रुप में बांटते हैं और डी वाले को हम लोग बी सब ग्रुप में बांटते हैं। तो एस है तो फर्स्ट को हम क्या लिख सकते हैं? पहले वाले को फर्स्ट ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट। तो इसको फर्स्ट ए भी आप लिख सकते हो। इस वाले को क्या लिख सकते हो? सेकेंड। क्या है? सेकेंड। ये एस वाले और पी वाले को किस में बांटेंगे? ए वाले में। अब यहाँ से यहाँ देखवाते हैं तो 13 वाले को हम क्या लिखेंगे? थर्ड बी। क्या लिख सकते हैं? थर्ड ए, सॉरी थर्ड ए लिख सकते हैं। इसको 14 है ना, 14 का लास्ट 4, तो इसको फोर्थ में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फोर्थ। 15वें को लिख सकते हैं फिफ्थ, फिफ्थ ए। और 16वें को लिख सकते हैं सिक्स ए। और 17वें को लिख सकते हैं सेवन्थ ए। और 18वें वाले को 88th ए नहीं लिखते थे, केवल 8 लिखा था या जीरो ग्रुप। क्या कहेंगे बेटा? जीरो ग्रुप कहते थे, जीरो ग्रुप कहते थे, जीरो समूह। क्या है? जीरो समूह। और जीरो समूह को इनर्ट गैसेस वाला कहते हैं, नोबल गैसेस वाला कहते हैं, अक्रिय गैसों का समूह कहते हैं। किसको? अक्रिय गैसों का समूह कहते थे। अच्छा बताइए, तो एस और पी वाले को किस सब ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हैं? ए में। क्या है? ए में। और डी वाले को बी में। तो 2 उप समूह हम बांट दिया गया, फर्स्ट ए सेकेंड ए। पहले को, पहले समूह को क्या कहेंगे? पुरानी पीरियडिक टेबल के अनुसार कभी कभी पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है कि पहले ग्रुप को क्या कहते हैं? फर्स्ट ए, पहला ही है ना। दूसरे को क्या कहेंगे? सेकेंड ए। तीसरे को, अब पी ब्लॉक वाले को, डी ब्लॉक वाले को नहीं, यहाँ 13 वाले को क्या कहेंगे? थर्ड ए। 14 वाले को लास्ट में 4 है तो फोर्थ है, 15 वाले का लास्ट 5 है तो फिफ्थ है, 16 वाले का लास्ट 6 है तो सिक्स है, और 17 वाले का लास्ट 60 है, तो इसको 18 वाले को क्या है? जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं डी ब्लॉक वाले को। डी ब्लॉक वाले में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कह रहे हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है? थर्ड बी से। क्या कहेंगे? थर्ड बी, क्योंकि तीसरा है ना, तो तीसरे को हम कहेंगे थर्ड बी। क्या है? लेकिन बी। एस और पी वाले को, एस और पी वाले को, एस और पी वाले को हम लोग बांटते हैं किस में? एस ब्लॉक में, और उसको पी ब्लॉक में बांटते हैं। तो आइए बेटा,
इसको हम लोग देख चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये क्या है थर्ड, तो यहाँ से ए नहीं रहेगा, यहाँ केवल एस के लिए और पी के लिए ए यूज होता है, इसके लिए क्या होगा थर्ड बी, क्या होगा थर्ड बी, ये क्या चौथे के लिए फोर्थ बी, और ऐसे ही क्या होगा फिफ्थ बी, इसके लिए सिक्स बी, और इसके लिए हमारे पास क्या है सेवन्थ बी, क्या होगा सेवन्थ बी, और देखो सात ये क्या सेवन्थ बी, अच्छा आठ नौ दस के लिए कोई भी बी यू यू यूज नहीं होता, कोई भी, केवल इसको हम लोग कहते हैं एट बी कह देंगे हो गया, आठवें के लिए भी नौवें के लिए भी दसवें के लिए भी, और ग्यारहवें के लिए कहते हैं फर्स्ट बी, क्या कहेंगे बेटा फर्स्ट बी, और बारहवें के लिए कहते हैं सेकेंड बी, यही इसमें प्रॉब्लम थी, यही इसमें प्रॉब्लम थी, यहाँ पे देखो आठ नौ दस के लिए एक साथ, आठ नौ दस के लिए एक साथ, कि इसको उन्होंने अठवें नौवें दसवों को तीन सब ग्रुप में बांट दिया था, क्या है एट ए एट बी एट सी कर देंगे अच्छा नहीं रहेगा, तो इसीलिए इसको इसको तो इसको हटा दिया गया, अब यही पढ़ा जाता है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, क्या है अठारह, तो हाँ तो देखो यहाँ पे नहीं वो गलत है, बुक में बना लो, बुक में जो है क्लास इलेवेंथ की बेटा एनसीईआरटी में जो दिया गया है पीरियोडिक टेबल पेज नंबर बोलो बेटा 79 79 में वहाँ उन्होंने यहाँ पे गलत दिया, यहाँ पे बी दे दिया है और यहाँ पे ए, जबकि यहाँ पे होगा बी और यहाँ पे क्या होगा ए, यस और पी वाले को हम लोग क्या कहते हैं ए कहेंगे, ठीक, और डी वाले को बी सब ग्रुप में बांटा गया है, एक बार फिर से बोल रहे हैं बेटा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को सब ग्रुप ए में डिवाइड किया गया है और डी ब्लॉक को सब ग्रुप बी में डिवाइड किया गया है, तो एस ब्लॉक हो गया पी ब्लॉक हो गया डी ब्लॉक, बात आती है एफ ब्लॉक की, बात आती है एफ ब्लॉक की, तो हम यहीं से थोड़ा हटा के आपको दिखा रहे हैं, अब देखो एफ ब्लॉक किसका है बेटा यहाँ से निकला है, कहाँ से यहाँ से, किसके छठवें पीरियड से और कहाँ से सातवें पीरियड से, लेकिन इसका ग्रुप क्या है तीसरा, अब ऐसे कहें तो थर्ड बी, तो यहीं पे अब हम लिखेंगे, यहीं पे अब हम लिख रहे हैं कि ये डी ब्लॉक हमारे पास हो गया है, हम यहीं पे लिखेंगे एफ ब्लॉक के लिए, क्या लिखेंगे एफ ब्लॉक के लिए, तो लिखना एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक किसका है थर्ड ग्रुप, क्या है थर्ड ग्रुप, तीसरे ग्रुप का, किसका तीसरे ग्रुप का, जिसको हम क्या कह सकते हैं थर्ड बी भी कहेंगे, क्या कहेंगे थर्ड बी भी कह सकते हैं, और देखो पीरियड कौन सा होगा छठवां और सातवां, सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड, सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड, तो एफ ब्लॉक देखो बेटा जो है वो किसका है आप जानते हो, अब डी ब्लॉक को हटा दिए क्योंकि डी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है वो आप जान गए हैं, तो देखो थोड़ा सा इसको एफ ब्लॉक को लिखने के लिए नहीं एफ ब्लॉक को मिटाना पड़ेगा, तो ये जो एफ ब्लॉक है यहीं पे देख रहे हो कहाँ का है थर्ड ग्रुप का, ये देखो, ये देखो कौन सा ग्रुप है बेटा तीसरा, ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग तीसरे ग्रुप का, पीरियड कौन सा है छठवां और सातवां, तो यहाँ चाहो लिख लो एफ ब्लॉक क्या है हमारे पास थर्ड ग्रुप का, किसका थर्ड ग्रुप का, पीरियड कौन सा है सिक्स एंड सेवन पीरियड्स का, लेंथे नाइट्स जो है सिक्स पीरियड का और एक्टे नाइट्स क्या है सेवन्थ पीरियड का होता ही, बहुत पूछा जाता है कि कहाँ का एफ ब्लॉक कहाँ से निकला है, डी ब्लॉक से ही निकला है छठवें और सातवें पीरियड से, और ग्रुप उसका कौन सा है थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप तीसरा समूह, ब्लॉक कौन सा है डी ब्लॉक से निकला है इसलिए उसका एफ ब्लॉक नाम रख दिया, ठीक है, तो ये कहते हैं थर्ड ग्रुप और छठवां और सातवां पीरियड, तो आइए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे ये देखेंगे, आशा करते हैं कि आपको ये उम्मीद आया से अच्छे से आया होगा, तो आपको बस इसको भली भांति याद करना है, और भली भांति याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बुक लेना पड़ेगा और बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, अब हम लोग देखेंगे, आइए अब ये देखते हैं कि किस पीरियड में बेटा कितने एलिमेंट्स हैं, किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं हम थोड़ा ये देखेंगे, तो पहले हम देख चुके हैं कि एस ब्लॉक में कितने ग्रुप दो, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप छः ना, डी ब्लॉक में कितने ग्रुप दस, और एफ ब्लॉक में क्या है ग्रुप नंबर एक ही है, ग्रुप नंबर एक ही कौन सा थर्ड ग्रुप, लेकिन पीरियड कितने दो, पीरियड कितने दो छठवां और सातवां, और बाकी सब में सात पीरियड हैं ही, तो यहीं पर हम थोड़ा सा अब इसको हटा रहे हैं बस देखने के लिए कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स किसमें हैं, ये सब आप जान गए हैं, इसको भी थोड़ा हटा रहे हैं
क्योंकि आपको पता है ताकि एलिमेंट लिख रहे हैं उसी को गिन के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसी को गिन के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा। आओ देखते हैं शुरुआत से। अच्छा बोलो, ये पीरियड नंबर क्या है? फर्स्ट पीरियड नंबर, फर्स्ट जो हॉरिजेंटल पंक्तियाँ होती हैं उसको हम फर्स्ट पीरियड्स कहते हैं। देखो पहले पीरियड में कितने तत्व, एक और दो, तो क्या कहेंगे फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, केवल दो। तो आइए ये आपको याद रखना पड़ेगा, पहले पीरियड में, पहले पीरियड में हमारे पास कितना है तत्व, दो एलिमेंट्स। क्या लिखेंगे, दो एलिमेंट्स। अच्छा दूसरे पीरियड में बेटा कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, दूसरे में कितना है, आठ एलिमेंट, ठीक है। तीसरे में कितना है, एक दो क्या तीन चार पाँच छः सात आठ, तीसरे में भी कितने हैं बेटा, ये सॉरी ये तीसरा है, कौन सा पीरियड है बेटा, तीसरा, तीसरे में कितने एलिमेंट हैं, आठ, ठीक है। चौथे में कितने हैं, अठारह आएगा, देखना कितने हैं, अठारह गिन लो चाहे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और तेरह अठारह, क्या है अठारह, कितने बेटा अठारह एलिमेंट। पाँचवें में भी कितने आएंगे बेटा, अठारह एलिमेंट, गिन लो चाहे अठारह एलिमेंट, ये अठारह। चलो देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और अट्ठारह, अठारह एलिमेंट है ना। चलो अब हम लोग आते हैं बच्चा छठवां पीरियड और सातवां पीरियड। तो छठवें पीरियड में आएगा बत्तीस और सातवें में भी है बत्तीस, लेकिन सातवां इनकम्प्लीट है क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, अभी वो लैब में बने हैं और प्रकृति में पाए नहीं गए हैं। तो जब पाए जाएंगे तो उसके लिए छठवां पीरियड में कितना बेटा, 32 एलिमेंट, कितने बेटा 32 एलिमेंट, ये आपको सब याद रहना चाहिए। दिखाते हैं क्या है, दिखाते हैं क्या है, देखो एक दो इसको हटाओ अभी, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, सत्रह के बाद देखो अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस और बत्तीस, जियो। तो छठवें में बत्तीस और सतवें में भी कितने हैं, बत्तीस, लेकिन क्या है हमारे पास सतवां इनकम्प्लीट, क्या है इनकम्प्लीट, क्योंकि 104 के बाद यहाँ पे जो रखे गए हैं सब उल्टे पुल्टे आर्टिफिशियल ही रखे गए हैं, क्या है इनकम्प्लीट, इसलिए ये क्या है 32 तो माना जाता है लेकिन 32 नहीं। तो सबसे ज़्यादा किस में तत्व हैं, छठवें में, क्या कहेंगे छठवें में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है एलिमेंट्स, मैक्सिमम एलिमेंट्स किस में, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सिक्स पीरियड, किस में प्रेजेंट इन क्या है सिक्स पीरियड्स, प्रेजेंट क्या है इन सिक्स पीरियड, सबसे अधिक एलिमेंट किसमें पाए जाएंगे बेटा, ये प्रेजेंट की स्पेलिंग बहुत गोची गौचा हो गई है, चलो हटा दिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें हैं, सिक्स पीरियड्स में, कितमें छः पीरियड। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें हैं, पहले पीरियड में, किसमें पहले पीरियड में, आपको ये पता चल गया ना। तो अब हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं और नीचे वाले को, क्योंकि आप ये सब देख चुके हैं, क्योंकि इसमें अब हम लिखना है। तो मैक्सिमम हम लिखे और मिनिमम अब लिखेंगे, सबसे ज़्यादा तत्व बेटा किस समूह में है, समूह में नहीं बेटा ग्रुप में, किसमें ग्रुप में नहीं पीरियड में, किसमें छठवें पीरियड में, छठवें पीरियड में। अच्छा अब हमको ये बताना कि एफ ब्लॉक का देखते हैं, एफ ब्लॉक अभी उसको नहीं मिटाए हैं, और यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिक्स पीरियड में, सिक्स पीरियड में, अब यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे कम किस में पाए जाते हैं, फर्स्ट पीरियड में, क्या कहेंगे फर्स्ट पीरियड में, कितने थे दो। अच्छा इनकम्प्लीट कौन सा है, सातवां, तो क्या कहेंगे सेवंथ पीरियड, क्या है सेवंथ पीरियड, क्या है इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट।
मतलब 32 तत्वों की जगह खाली है, लेकिन अभी ये तत्व तत्व मिले नहीं, केवल आर्टिफिशियल बना बना के रखे गए हैं, ये तत्व मिले नहीं हैं। कह रहे हैं ये तत्व आएगा तो हम क्या करेंगे, इसका नाम ये रखेंगे, क्या है, इनकम्प्लीट। ठीक है, अच्छा एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में हमारे पास कुल कितने तत्व हैं बेटा, पहले 28 थे, कितने हो गए 30, क्योंकि लेंथेनम में 15, एक्टिनम में 15, पहले 57 नहीं था, 58 से चालू था, और ये एक्टिनॉइड्स क्या थे, 90 से चालू था, अब लेंथेनॉइड 57 से चालू होता है, एक्टिनॉइड 89 से चालू होता है, तो एफ ब्लॉक में हम कहेंगे कुल मिला के कि कितने एलिमेंट हैं बेटा, 30 एलिमेंट्स, क्या कहेंगे, 30 एलिमेंट्स, 30 तत्व हैं, और 30 तत्व में से 15 किसके हैं, लेंथेनॉइड, क्या है, लेंथेनॉइड्स कितने हैं, कहाँ से अब दिखाएंगे हम, लेंथेनॉइड कहाँ, 57 से चालू है बेटा 71 तक, और एलिमेंट कितने हैं, 15, पहले कितना था 14, और एक्टिनॉइड्स में बेटा क्या होगा, एक्टिनॉइड्स में भी 15 हैं, लेकिन चालू कहाँ से होता है, 89 से, कहाँ से, 89 मतलब 89, क्या है, 89, और उसको क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड्स कितने हैं, 89 से लेकर के 103 तक, कितने एलिमेंट्स, 15, कितने एलिमेंट्स है, 15। और बेटा अब इन सब को हम लोग एक एक ब्लॉक करके पढ़ेंगे, कहाँ पे, अपने आगे वाले आने वाले चैप्टरों में, जिसमें अलग अलग लिखा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये तो पीरियोडिक टेबल था, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, अभी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बहुत पढ़ना है, इसको आप लोग नोट करिए और इसको आप भली भांति पढ़िए, और बार बार एनसीईआरटी को रिवाइज़ करिए, एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल में करेक्शन आपको करना है, जहाँ पे ए लिखा है वहाँ पे आपको पी ब्लॉक में ए होता है, डी ब्लॉक में ए लिखा है, डी ब्लॉक में बी होता है। तो बाकी हम लोग फिर देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग जो एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।